हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रवा डोसा की ये रेसिपी, जो कि बिल्कुल जालीदार बना है। आप अक्सर रवा डोसा बनाते होंगे, बट क्या वो इतना जालीदार बनता है और इतना क्रिस्प बनता है? अगर नहीं बनता है तो आज मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है और जालीदार तो आप देख ही सकते हैं कि कितना जालीदार बना है। परफेक्ट रेशो की रिक्वायरमेंट होती है। आज पूरा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ और कौन सी रेसिपीज आपको चाहिए मुझे जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए। उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हमारे आज के वीडियो। रवा डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप रवा। रवा जो आप नॉर्मल यूज करते हैं वही रवा आपको यूज करना है। आप कोई सा भी एक मेजरमेंट के लिए कप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये कप। इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप सूजी। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा आपके डोसे को और भी ज़्यादा क्रिस्प बनाएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/2 कप मैदा। मैदा से आपके डोसे के बैटर में एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 स्पून दही। ध्यान रखिए कि दही की मात्रा ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। अगर दही की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपके डोसे क्रिस्प होने की बजाय बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। उसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। साथ ही साथ आप इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ताकि आपका डोसा खाने में काफ़ी टेस्टी लगे, नमकीन और चटपटा। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये करी लीव्स, बट ये 1 मंथ पुरानी है। तो आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैं अपनी करी लीव्स को फ्रेश रखती हूँ, तो आप इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। इसको भी मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ विस्कर का। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप सिंपली स्पून की हेल्प से भी इसको इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। सबसे खास बात इस बैटर की ये है कि हम इस बैटर को बिल्कुल भी थिक नहीं रखने वाले हैं, जैसे कि डोसे का बैटर होता है। ये बैटर आपका बहुत ही ज़्यादा पतला होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी थिक है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी। और आप इसकी अब कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। जैसे कि मट्ठा आप पीते हैं उसकी कंसिस्टेंसी होती है, लाइकवाइज आपको इसी की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लोई है, तो बस ये परफेक्ट इसका टेक्सचर है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये अगेन थोड़ा सा थिक आपको नजर आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है बताती हूँ आगे। रवा डोसा बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नॉनस्टिक पैन। तो इस पर मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया है और इसको इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। जितना भी एक्सेस ऑयल इसके ऊपर है वो मैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से पोंछ दूंगी। तवे को आपको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। बिल्कुल भी कम गर्म तवे पर इस डोसे को ना फैलाएं, अदरवाइज डोसा अच्छा नहीं बनेगा। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो सूजी होती है वो थोड़ा नीचे बैठ जाती है और ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्टेज पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब भी आप ये डोसा बनाएं तो आपको इसे इसी तरीके से फ्लोई कंसिस्टेंसी में रखना है। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस कटोरी का। इसमें भरकर इस मिक्सचर को मैं तवे पर डालूंगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि जनरली जैसे हम डोसे को कटोरी से स्प्रेड करते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको केवल डालना है और आप देखेंगे उसके अंदर वो जाली खुद ही बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इसको फैलाएंगे तो वो जाली ख़त्म हो जाती है, तो आपको फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब तवा हमारा बहुत ही अच्छे से हीट अप हो चुका है, तो मैं अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये मिक्सचर। आप देख सकते हैं मिक्सचर डालते के साथ ही कितनी अच्छी जाली इसमें बन गई है। अब जैसे कि थोड़ा सा मिक्सचर मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दिया है तो ये जाली खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से सिकने दूंगी। जब आपका डोसा बहुत ही अच्छे से सिक जाए, डोसे के ऊपर की लेयर थोड़ा सा व्हाइट होना स्टार्ट हो जाए, तब मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऑयल और इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अभी मैं डोसे को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी। जब ये अच्छे से सिकना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से सिक चुका है, तब मैं यहाँ पर सिलिकन स्पैचुला की हेल्प से हल्के से इसको टर्न करके देखूंगी। बट अभी आप देख सकते हैं कि कच्चा है तो टूटने लगा है। जब तक इस जाली के ऊपर हल्का हल्का सा क्रिस्प आना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपको इसे टर्न बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ये अच्छे से सिक चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट कलर इसमें आया है और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये डोसा बनाने का तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने क्रिस्पी डोसे तैयार किए हैं। तो इस तरीके से अगला डोसा मैंने फैला दिया है और इस डोसे को आप देख सकते हैं परफेक्टली इसमें जाली बनी है और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। आप इसको और भी क्रिस्प कर सकते हैं। इसको मैंने सर्व किया है इस टमाटर की चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनी थी। अगर आपको इस टमाटर की चटनी की रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। यकीन मानिए कि अगर आपने एक बार इस टमाटर की चटनी को ट्राई किया तो आप उसके बाद मार्केट से सॉस खरीदना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये अगला डोसा भी हमारा बिल्कुल रेडी है। जाली आप इसमें परफेक्टली देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सी जाली बन रही है सभी डोसों में और बहुत ही क्रिस्पी ये डोसे बन रहे हैं। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और कौन सी रेसिपीज़ आप मुझसे चाहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर आपको चाहिए टमाटर की चटनी की रेसिपी या फिर कोई अदर रेसिपी तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें।